वेलकम टू मनीष गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंग्लिश सेक्शन, उसमें करेंगे हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है तो आप लोग देखिएगा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इंडियन बीवर्स इज ए पोइम रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भारतीय जुल्हा जो पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पोइम लिखी है सरोजनी नायडू ने, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। ये यूपी टेट 13 में भी आई है आपके सेकेंड पेपर में, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन्स कंपोज ए फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न अवे इज ए पोइम कंपोज बाय विच पोइट। तो टिंटर्न अवे इज ए पोइम जो है ये लिखी है आपकी विलियम वर्ड्स वर्थ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंग लियर वॉज रिटन बाय। किंग लियर जो है ये पोइम आपकी लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, किंग लियर। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन दे, नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोइम द सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर जो है ये पोइम जो है ये लिखी है विलियम वर्ड्स वर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात इज रिटन बाय फेमस ऑथर। पूस की रात ये आपकी हिंदी में है, तो हिंदी साहित्य में, तो ये पूस की रात ये लिखी है वो लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट अवे इज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। द कास्ट अवे इज ए फेमस जो शॉर्ट स्टोरी रिटन है ये जो लिखी है वो लिखी है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये पोइम जो लिखी है ये लिखी है जॉन मिल्टन ने, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए नेचर पोइट, यानी कि प्रकृति का जो कवि है उसको किसको कहा गया, तो ये कहा गया है विलियम वर्ड्स वर्थ को, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट है, नेम द फेमस पोइट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो ये पोइम जो है किसने लिखी ये पूछा गया है, तो ये पोइम लिखी है तोरू दत्त ने, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेमस पोइट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। लाइन्स हैं दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिल्टन। नेक्स्ट है, द पोइम द नेशनल बिल्डर्स इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। द नेशनल बिल्डर्स जो है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो ये किया गया है आपका राल्फ वाल्डो इमर्सन द्वारा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है, द लेसन टॉर्च बीवर्स इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर। तो टॉर्च बीरर्स जो है ये रिटन है आपका डब्ल्यू एम रायवन, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट है, जूलियस सीजर वॉर रिटन बाई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए जूलियस सीजर, आप लोग इंटर में पढ़े भी होंगे। जूलियस सीजर इज वॉर रिटन बाई, ये लिखा है आपका विलियम शेक्सपियर ने, जूलियस सीजर जो है विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है, हु सैड रीडिंग मेक्स ए मैन फुल राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। तो किसने कहा है, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांसिस बेकन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइट हु रोट द पोइम स्टॉपिंग बाय द बोट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। तो स्टॉपिंग बाय द बोट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है ये। नेक्स्ट है, बुक रिटन बाय गार्डनर ऑन प्रोमिनेंट पर्सोनैलिटीज ऑफ टाइम वॉज कॉल्ड बाय हिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोफेट्स प्रेस एंड किंग्स, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ऑन बिग वर्ड्स रिटन जो है ये आपका गार्डियन द्वारा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है, बायोग्राफी इज द पेंटिंग ऑफ पोर्ट्रेट एंड इट इज इम्पॉसिबल टू पेंट देम विदाउट इट टच ऑफ आर्ट, हु सैड सो। तो किसने कहा है, तो इस कहा है आपका फिलिप गुएडेला ने, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए।
नेक्स्ट है वर्ड्स वर्थ इज नोन एज द पोइट ऑफ, तो विलियम वर्ड्स वर्थ को जो पोइट, किस प्रकार का पोइट कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है नेचर का पोइट, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अजीज इज ए करेक्टर ऑफ, तो डॉक्टर अजीज जो करेक्टर है वो है आपका पैसेज टू इंडिया, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है शेक्सपियर बिलोंग्स टू, तो शेक्सपियर जो है कब बिलोंग, किससे संबंधित है, कौन सी सेंचुरी संबंधित है, वो तो वो संबंधित है आपके 16th सेंचुरी से, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट है फिलोसफी इज़ दी हाईएस्ट म्यूजिक हु सैड सो, तो फिलोसफी इज़ दी हाईएस्ट म्यूजिक ये किसने कहा है, तो ये कहा है आपका प्लेटो ने, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट है थो दिस बी मैडनेस एट देयर इज ए मेथड इंट हु सैड सो, तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है शेक्सपियर ने। नेक्स्ट है नो लॉफिंग मैटर इज ए नोबल वाई, नो लॉफिंग मैटर इज नोबल वाई किसने लिखा है, तो ये लिखा है एंगस विल्सन ने, एंगस विल्सन नो लॉफिंग मैटर। नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस 1929 इज ए बुक रिटन वाई, तो ब्लाइंडनेस ये जो बुक है वो 1929 में किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई हेनरी ग्रीन के द्वारा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक माई बैग 1940 जी क्रिएशन ऑफ, पैक माई बैग 1940 जो क्रिएशन है ये किसका है, तो ये क्रिएशन है हेनरी ग्रीन का, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है द वाइल्ड गूज चोज इज ए क्रिएशन ऑफ, वाइल्ड गूज चोज तो ये लिखी है आपकी रैक्स वार्नर ने, इम्पॉर्टेंट है रैक्स वार्नर। नेक्स्ट है द गॉर्जियन लिटरेरी सीन इज वर्क वाई, द गॉर्जियन लिटरेरी सीन इज वर्क वाई तो ये है फ्रैंक स्विनर्टन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटेलेक्चुअल फिगर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हक्सले जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हेनरिल्टा रिचर्डसन ब्रॉड आउट हर नॉवेल अंडर द स्यूडोनेम्स ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेनरी रिचर्डसन। नेक्स्ट है म्यूरिस गेस्ट इज बर्क वाई, म्यूरिस गेस्ट जो है बर्क वाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एच एच रिचर्डसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग कोशिमा इज बर्क वाई एच एच रिचर्डसन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एडवोकेट ऑफ वुमेन मूवमेंट, तो जो महिला आंदोलन है उसका एडवोकेट कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सराह ग्रांड। नेक्स्ट है इदा इज नोबेल वाई, तो इदा इज नोबेल जो है ये लिखा गया है सराह ग्रांड के द्वारा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट है द वूमेन हु डिड इज ए नोबेल वाई, द वूमेन हु डिड इज ए नोबेल वाई ये लिखा है आपका सराह ग्रांड, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है आर्म्स एंड द मैन वॉज रिटन बाई विच प्ले राइट, तो आर्म्स एंड द मैन ये जो प्ले राइट है ये लिखा गया है आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द लेसन ए फेलो ट्रेवलर, ये फेलो ट्रेवलर जो है ये लिखा है आपका ए जी गार्डनर। नेक्स्ट है हु रोड सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट है साइलॉग इज ए करेक्टर इन विच प्ले, तो साइलॉग इज ए करेक्टर है ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, वेनिस से लिया गया है साइलॉग। नेक्स्ट है ए लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर हैज बीन रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोहन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोलिटरी रीपर इज ए मेलंचली सॉन्ग, हेयर द सॉन्ग मेलंचली मीन्स, तो मेलंचली का अर्थ पूछा गया, ऑप्शन है एक्सप्रेसिंग जॉय, एक्सप्रेसिंग सैडनेस, एक्सप्रेसिंग ह्यूमर, एक्सप्रेसिंग एंगर, तो मेलंचली का जो अर्थ होता है वो होता है
सैडनेस से, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।